होटल में जो जाएंगे उसके पैसे कौन देगा? आप दोनों दोस्त, मैं तो नहीं जाता। और सबसे सबसे ज्यादा हाईफाई जो फोन है ना, जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ, जो भाई ने ऑर्डर तो बनवाया है, नहीं दिखाओ, ये भाई लेकर आए आशी मैं देखो प्रो प्लस। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी सलमान अब्बासी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी अभी जस्ट आपका भाई उठा है, जुम्मे का दिन है, थोड़ी ही देर में नमाज का टाइम होने वाला है, जाएंगे जाके नमाज पढ़ेंगे। और आज मैंने एक प्लान सोचा हुआ है अपनी टीम के लिए, तो वापस आता हूँ आपसे डिस्कस करता हूँ। वैसे तो खैर आपको थंबनेल से पता लग ही है, तो आज करते हैं वाला सीन, देखते हैं आज क्या रिएक्शन आते हैं। फाइनली आपका भाई ऑफिस पहुंच चुका है, आगे मौजूद है, इत्तफाक से मुझे रास्ते में टकर गया, तो फिर मैंने कहा चलो साथ ही शॉट लेता। तो अब सीन ये है कि यार नमाज पढ़ना आना, गर्मी भाई बहुत हो रही है भाई, गर्मी बहुत है यार। तो मैं उस वक्त असल में शॉट ले नहीं सका, नमाज पढ़ने चला गया था, नमाज पढ़ ली थी, देन फिर उसके बाद किसी काम से निकल गया था, तो मैंने बोला चलो ऑफिस जाके स्टार्ट करेंगे बाकी का। अब्दुल्ला शबीर, खैर बाकी जो आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी इसके सामने कर नहीं सकता, वो बात आपसे अकेले में करूँगा। कहाँ आगे निकल चुका है सीन, सारा ये कि आज मैं करूँ उनके साथ प्रैंक ना, प्रैंक सारा ये कि मैं इनसे बोलूँगा कि मैं जीतो छोड़ रहा हूँ। तो ये आगे निकला तब मैंने आगे शॉट स्टार्ट किया, तो भाई भी ऑफिस पहुँच चुके हैं, ये वो एंट्रेंस है जहाँ से फाद भी अंदर एंटर होते हैं। चेटी आ गए सामने, मुझे भी करना है ये। वालेकुम साहब, भाई क्या हाल है? सामने के पास कैसे हो उमर? अब बोलो कैसे हो? ठीक हो? पक्की बात है। अहमद आप कैसे हो? मैं भी ठीक। अबुबकर आप कैसे हो? क्या बना रहे हो? तीनों ठीक है भाई माशाल्लाह। मैं घर से ले आऊँगा। आप क्या खाओगे? घर से ले आऊँगा। आप क्या खाना? होटल में जो जाएंगे उसके पैसे कौन देगा? आप दोनों दोस्त, मैं तो नहीं जाता। और क्या खाना? अहमद दे देगा, अहमद अहमद दे देगा, वैसे ना अहमद खिला ये कंजूस है। होटल में पैसे आप दोगे ना खाने के? पैसे आप बहुत तेज हो रहा है। मैं इस वक्त जीतो पाकिस्तान के सेट पे मौजूद हूँ, जो बात मैंने शेयर करनी थी ना वो अभी वे है, सबसे पहले आशिम से शेयर करता हूँ। शहबाज भी क्या हाल है, खैरियत से? ये हमारे भाई हैं, लास्ट टाइम आपने ब्लॉग में उनको देखा तो होगा। आशिम भी क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार आशिम भाई आपसे एक बात शेयर करनी है। ये अभी इसको सरप्राइज समझ लो, शॉकिंग न्यूज़ समझ लो, कुछ भी समझो, लेकिन जो बात हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ, रमज़ान के बाद जीतो छोड़ रहा हूँ। क्यों भाई? यार वो हो सकता है बाहर चला जाऊँ कहीं। अच्छी बात है, तो फिर पहली फुर्सत में जाओ, रमजान के बाद क्या अभी चले जाओ, कल चले जाओ। ऐसी बात है तो कल चले जाओ। ये तुम तंग आके बोल रहे हो या वैसी मोहब्बत में बोल? नहीं मोहब्बत में बोलना यार, आपसे मोहब्बत है यार, आपका फ्यूचर है उसमें, इसमें क्या है आपके लिए? कुछ भी नहीं है। रजा भाई की कॉल आ रही है। रजा भाई पास्ता लेकर आ रहे हैं आज। रजा भाई बोलो, अफ्तारी में पास्ता लेकर आ रहे हैं आज, फिर फ्रूट चाट नहीं बनेगी। क्यों बाहर भेजूं उसको यार, तू अंदर आना डायरेक्ट। क्यों बाहर? अबे तू आ जा फ्लोर पे, आ जा रख देंगे, मसला नहीं है। हाँ तो फ्लोर पे आ डायरेक्ट, फ्लोर पे आ जा डायरेक्ट, सीधा फ्लोर पीछे गेट से आ जाओ। जी मैं फिर क्या करना है, फिर चले जाऊँ? हाँ अगर आपका वो अच्छा है सब कुछ तो उधर चले जाओ, पहली फुर्सत में। अपना बिजनेस है वहाँ पे, वाली साहब ने बोला वहाँ जाके मूव करो, वहाँ जाके काम करो, चले जाओ भाई, मैं तो बोलूँगा आप चले जाओ। तो मिस तो नहीं करोगे आप भाई को? मिस तो करेंगे, मिस तो हमने पता नहीं 10 साल से करते हुए आ रहे हैं देखो। वैसे जो बात है भाई, अच्छा वैसे आशी मैं आपसे एक बात पूछनी है, मुझे बताएं आपने जीतो पाकिस्तान आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2014 में ज्वाइन करा। डेट याद है? आई थिंक
18 मई माशाल्लाह इतना भी याद। और ये जीतो स्टार्ट कब हुआ था? पहला शो 18 मई 2014 को करा था भाई। ये वो बंदा है जब जीतो पाकिस्तान ने जन्म लिया था ना तब इस भाई ने यहाँ पे अपने कदम रखे थे और ये पहले दिन से यहाँ पर है। अभी तक वैसे कर अभी 10 साल गुजार दिए मैंने जीते। ये देखो ये आ गए भाई, पास्ता लेकर आए, पास्ता लेकर आए लड़के, पास्ता लेकर आए, टाइम से आ गए लड़के। आज लड़के ने कुर्बानी दी। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह पसीना पसीना हो रहा है लड़का। रख दे नीचे, रख दे इधर आओ, ता इधर आओ, बात सुनो, चलाओ यार स्पून लेकर आओ। अबे साले, अबे अभी रोजा नहीं। अबे रोजा यार तुमने ला के रख दिया मेरे आगे यार। चलो ये बैग रखो फिर, आप लोगों को जरा न्यूज़ देनी है मैंने। आओ ले आओ, तुम भी ले आओ। चलो खोलो, ले आओ ले आओ। बोलो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी मोनेटाइज थोड़ी हुआ है अभी तो, जब मोनेटाइज आप लोग मोनेटाइज करो भाई के चैनल पर, थोड़े से घंटे रह गए बस, तो जब मोनेटाइज होगा इंशाल्लाह दावत रखेंगे वीआईपी। मतलब देखो एक ऑडी, वो जो बाहर जो खड़ी हुई थी ऑडी, ऑडी मेरी वाली। हां वो ऑडी और स्लीपर चेक कर रहे हैं जान। क्या चेक कर रहे हैं? कहां से आई स्लीपर? गाड़े हैं, गाड़े हैं इसने। कौन सी वाली ने दी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आशिन क्या बोल लो? कोई अल्लाह करे मिल जाए ना बाद, अल्लाह करे कोई ऐसी लड़की मिल जाए। ये उस जो है ना उसने दिया। देख लो बेटा आपकी दोस्त, मैंने व्लॉग्स देखती हैं। हां हां देखने दो यार। आपकी जो दोस्त है क्या बात है भाई, कोई दोस्त नहीं है। आपकी कोई दोस्त नहीं है? मोबाइल चेक कराओ, अपना मोबाइल चेक कराओ। लाओ लाओ, नहीं ये वाला नहीं, बोला दूसरा आईफोन, आईफोन चेक कराओ। अच्छा मजे की बात, एक और बात, बैठो बैठो आप, जरा बैठो 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 बैठो। मैंने मोबाइल लिया भाई, दावत लेनी है भाई से। दावत तो बनती, देखो बकरा वैसे बनता है लेकिन पहले चिकन से गुजारा करवा दे, मस्ता नहीं है भाई। भाई ने चिकन खाएंगे लेकिन वहाँ जाएंगे वो काटो राम मदीना रेस्टोरेंट पे, बलोची टिक्का जाके खाएंगे। हाय हाय हाय, काफी जमाना हो गया। गाड़ी में ले आऊंगा, गाड़ी में ले आऊंगा, दावत भाई देंगे। सही है भाई, दावत 3-4 हज़ार रुपए का खर्चा, आपको पता है वहाँ पे जाम जाते रहते हैं। जा सकते हैं अभी भी इधर से डायरेक्ट, अब यहाँ ना जा सकते हैं। लेकिन अब अगर हम होकर आएंगे तो समझो शहरी हो जाएगी वो। हाँ वो शहरी का प्लान बन जाएगा। हाँ बस सही है, कब का प्लान करें? मेरी डन कर लो। किसका? एक और की ऊपर भी तो थी भाई ने लिया 14 प्रो। हाँ ना भाई, इसके पास है, किरण के पास है 11 प्रो, इसके पास है 12 प्रो, मेरे पास 13 है, इसके पास 13 है, मेरे पास 13 प्रो मैक्स है, इसके पास 14 प्रो है, और निमरा के पास ये देखे मैं ये यूज कर रहा हूं। दूसरा निमरा के पास है 15 प्रो, आपके पास भी। जिस फोन से वीडियो बन रही है वो 13 प्रो है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी ट्रीट बनती कि ये हमें ट्रीट दे। 13 प्रो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स है, और सबसे सबसे ज्यादा हाईफाई जो फोन है ना, जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ, जो भाई ने ऑर्डर पे बनवाया, नहीं दिखाओ, ये भाई लेकर आए। आशी मैं देखो प्रो प्लस दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे, अबे दिखा दे, अबे कोई बात नहीं, दिखाई नहीं जाती। तो 2-4 तूने गाड़ी भी तो रखे हैं, ऐसी चीजें दिखाई नहीं जाती। देख काले जब भी तो पहन के आओगे नजर ना, सुकड़ गया, छोटा सा हो गया मोबाइल भी। चलो खैर कोई बात नहीं। दूसरा है यार, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को यार, एटलीस्ट ये बात आप लोग प्लीज़ प्लीज़ करके, या प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है ऐसे करके मत बोला करें, क्योंकि हमारे हाथ में काम नहीं है कि हम लोग आपको जीतों में बुलाएं। उसका सबसे आसान तरीका ये, जो लोग तरीका पूछ रहे हैं, सबसे आसान तरीका ये कि आप लोग ड्यूरिंग शो नीचे घड़लन आ रही होती है, उसमें आई थिंक JPL स्पेस आपका नाम, JPL स्पेस 8038 पे आप अपना नाम और सिटी नाम, नहीं नहीं वो JPL स्पेस फिर आपका नाम फिर स्पेस आपका अपना नाम फिर स्पेस फिर सिटी का नाम। हाँ तो ये ऑप्शन है, ये आप लिखें टाइप करें और आप 8038 पे भेज दें। अच्छा ये आपका मैसेज तब फॉरवर्ड होगा जब आप बिना पैकेज के इसको फॉरवर्ड करेंगे। इसके लिए आपको बैलेंस होना जरूरी 2-3 रुपए का, नहीं 10 रुपए का, 10 रुपए का मैसेज जाता है भाई, एक मैसेज 10 रुपए का, 10 रुपए का जाता है, वही 10 रुपए का मैसेज है भाई। 100 रुपए का बैलेंस डलवाओ, और लाजमी नहीं कि आपके एक बार मैसेज करने में आपको कॉल आ जाए। आज नहीं आ रही, आज मैसेज करें, आज नहीं कल कर दें, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि आप घर में जितने फोन सबके नंबर से मैसेज करें। इस वक्त मेजोरिटी जीतो पाकिस्तान में 80% लोग ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही भाई, ऐसे मेजोरिटी ऐसे आ रहे हैं, तो आप लोग भी ट्राई करें, हो सकता है आप लोग हमारे जीतो पाकिस्तान का हिस्सा बने और कुछ ना कुछ विन करके जाए। थैंक यू। अलग से वीडियो लगाई हो भाई इनके लिए, अलग से लगाऊं ये, क्योंकि ना मुझे भी बहुत डीएम आ रहे हैं यार ये वो वगैरह, ये अलग से स्टोरी लगाई है तू, ताकि मैंशन करके लगाई, ताकि मैं भी रीमेंशन मारूँ तुझे, ताकि ना
लोगों को पता लगा क्या है क्या चीज़ कैसे हो रहा है वो भी मुझे भी हम सबका दिमाग खा जाते हैं कि यार मस्ती की ये ब्लॉग अपलोड करके ना ये वाला क्लिप में अलग से लगा दूंगा। तो वसीम बता शामी को जो है ना नए परफ्यूम्स आ गए हैं साजिश के नाम से, दूसरा इन दोनों को न्यूज़ भी दे देते हैं। न्यूज़ ये कि तुम्हारा भाई जाना रमजान करके जीतो छोड़ रहा है। क्या जीतो छोड़ो? क्यों क्या हो गया रे वसीम बादा शामी? बाहर जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहे हैं? ये अपना गेट से के बाहर। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। गेट से बाहर, गेट से बाहर। दुबई जा रहा हूँ अपनी जो वहाँ पे शॉप है ना मोबाइल। अबे दुबई में जो शॉप है ना अपने मोबाइल की वहाँ जा रहा हूँ। अबू ने बोला तुम बाहर जाके वो काम देखो। कमीना वहाँ पे अपना मतलब बिजनेस है, वहाँ से जब मोबाइल वगैरह आते हैं वहीं जाके खुद ही देखूंगा। वहाँ वाले चाइना के भेज रहे हैं ना, खुद जाके वहाँ चेक करके फिर लेके। आप जा रहे हो? हाँ भाई, के लिए क्या लाओगे? कुछ तरीका है भीख मांगने का? ना ना नहीं, वहाँ पहुँचते ही भेज देना, आओगे तो तुम पता नहीं कब। ये तुम ऐसा करना, इसके इसका कहने का मतलब है कि तुम मत आना, वो मत आना, बस चीज भेज देना। भाई क्या चाहिए भाई तुम्हें? क्या चाहिए? गाड़ी। क्या चाहिए? गाड़ी। शुरू शुरू में बोलता था ना हमेशा गड्डी। चलो खैर भाई, बाप कुछ दिनों का मेहमान हूँ मैं, बाकी 18-19 दिन है, जितनी हो सके मेरी खिदमत करो। अच्छा आज फर्स्ट डे तो आप लेकर चले, हम आपकी खिदमत तो कर ही रहे हैं, आप भी जा रहे हो अगर आप जाना चाह रहे हो। ज्यादा और खिदमत क्या चाहिए आपके लिए? खिदमत है पेश। ये चाउमीन अलग लाया हूँ मैं, देखो ये देखो, पास्ता अलग लाया हूँ मैं, ये नहीं दिखाओ वो तो दूर से। अच्छा आप बाहर जा रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से लेके जाए, भाइयों को कुछ खिला पिला के जाओ, ऐसे नहीं जाओ बकरा मंदी कोई डब्बुक वगैरह हो जाए। यार तुम लोग डब्बुक हो जाए ना, तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग मेरी ग्रैंड दावत, तुम लोग मेरी ग्रैंड दावत करो। ए फ्यू मिनट्स लेटर गाड़ियों ने सेट करने लग गए हम लोग। आशिम भी अपनी गाड़ी में बैठ गए, आपका भाई अपनी गाड़ी में बैठ गए, सामने अब्दुल्ला शफीक जो है स्नैप बना रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, रोटी खोल दे, रोटी खोल दे। आशिम रेस लगाएगा, रेस लगाएगा, रेस पीछे। वसीम बादा शामी की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पीछे वसीम बादा शामी बोल रहे भाई। चलो खैर गाड़ी साफ करवाना, जल्दी बाहर आओ यार। थैंक यू सर। पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपका क्या? चिना यूनिवर्सिटी इंडियन कुमारी की करेंसी रुपया या यूरो? कंबोडिया और ब्राजील की करेंसी टका या ग्रीन? जी कोलंबस ने जिस जहाज पर लिखा भेजा, भाई ये देख के बताओ ये उमर शाह लाइट लग रहा है नहीं लग रहा है? वैसे भाई उमर शाह लाइट। दोनों दोस्त आ चुके हैं, पांच छह आगे खड़ा। ये वाली दोस्त आगे आगे इसका ठेकेदार ये है। हम नहीं, नाखून दिखाओ। छोड़ेंगे छोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर सलमान का मुंह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे मैं आपको कह रहे थे आपके ऊपर मेरे ऊपर आ गई है डायरेक्ट। ले लिया तुम्हारी नजर उधर जाएगी ब्लॉग की। ये जामी श्री की बोतलें दोनों आई हैं फ्रोल पे। थैंक यू ईदी मिल गई भाई। असर की नमाज के लिए भाई वजू करने के लिए आया हूँ, वजू करने नमाज पढ़ेंगे, रेडी होऊंगा देन शो में आगे आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। रेडी हो चुका हूँ, 4-5 मिनट रह गए अपने अवतार में, अवतार करते हैं फिर उसके बाद शो का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ेंगे। अफ्तारी करके व्यू हुआ यहाँ पे बैक स्टेज पे, फ्लोर भी गड़े में मैं और सुहेब हब करो। वालेकुम साहब, ये सारा भाई फ्लोर है और अभी भी जो है ना दान ट्रांसमिशन ख़त्म हुई है तो बस अभी मिलेंगे जीतो के सेट पे आपको। थैंक यू आई मीन जीतो के शो में। तो
फाइनली घर आ चुका हूँ। जैसा कि मेरा प्लान था कि सब लोगों को बताऊंगा अपने सारे टीम मेंबर्स को कि मैं जेपी छोड़ रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली सबको नहीं बता सका बिकॉज कभी कोई बॉस आ रहा है, कभी कोई बॉस आ रहा है, कभी मैं किस में बिजी हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ। लिटरली ये मैं जानता हूँ कि वहाँ पे ब्लॉग शूट करना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग की मोहब्बत के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से ब्लॉग्स बनाता रहूँगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे। मेरी ये भी कोशिश पूरी होती है कि मैं आप लोगों को हर वो चीज़ दिखाऊँ जिसका आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बताते हैं, और मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। लिटरली मैं आंसर किसी को नहीं कर रहा, बट मैं लिटरली सबके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा प्यार मिलता है। अच्छा, कल का ब्लॉग बहुत टाइट होने वाला है बिकॉज कल सारे कैप्टन्स आ रहे हैं और कल हमारा एक डिनर प्लान भी है, उसका सरप्राइज मैं आपको वहीं जाके दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। दूसरी बात है कि अभी कुछ दिन बाद हमारे एक ईद का शो रिकॉर्ड होने वाला है जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सजेस्ट करे कि मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूँ, तो हो सके तो मुझे प्लीज़ इसी ब्लॉग के नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूँ, और कलर डार्क हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लाइट कलर इतनी लाइट्स में बुरा लगता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और वादा कर रहा हूँ जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे एक ही कलर के तो मैं इंशाल्लाह वही कलर पहनूंगा। और दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो कोई मसला नहीं, ले लूँगा मैं। और तीसरी बात, अगर कोई डिज़ाइनर या कोई स्पॉन्सर ये मेरा ब्लॉग देख रहा है, अगर वो मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है तो मैं वो भी ले लूँगा, मोस्ट वेलकम। लास्ट ईद पे ऐसा हुआ था कि मुझे एक स्पॉन्सर ने ड्रेस दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो शो था वो हमने ईद के ड्रेसेस में नहीं किया था, हमने जेपी के यूनिफॉर्म में ही किया था, कुछ इशू हो गया था उसकी वजह से। तो खैर, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।